लोकसभा चुनाव 2019 के परिणामों की आज गिनती के बाद आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। बिहार की 40 सीटों में से 39 पर एनडीए को जीत हासिल हुई है। परिणाम के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई और दोपहर के बाद से ही नतीजे सामने आने लगे। जहां एक तरफ बिहार में मोदी लहर चली तो वहीं महागठबंधन बिल्कुल बेअसर दिखा। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर तो जेडीयू 16 और एलजेपी 6 सीटों पर भारी बढ़त के साथ जीत की ओर अग्रसर रही, तो वहीं महागठबंधन को सिर्फ किशनगंज में जीत हासिल हुई है। किशनगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद जावेद को जीत मिली है। चलिए अब आपको बताते हैं बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर विजयी उम्मीदवारों के नाम और उनकी पार्टियां। वाल्मीकि नगर से बैद्यनाथ प्रसाद महतो जनता दल यूनाइटेड ने जीत दर्ज की। वहीं पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी, शिवहर से रामा देवी भारतीय जनता पार्टी, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू जनता दल यूनाइटेड, मधुबनी से अशोक कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं झांझरपुर से रामप्रीत मंडल जनता दल यूनाइटेड, सुपौल से दिलेश्वर कामत जनता दल यूनाइटेड, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी, किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद इंडियन नेशनल कांग्रेस, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी जनता दल यूनाइटेड, पूर्णिया से संतोष कुमार जनता दल यूनाइटेड ने अपनी जीत दर्ज की। वहीं मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी, वैशाली से वीना देवी लोक जनशक्ति पार्टी, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जनता दल यूनाइटेड, सिवान से कविता सिंह जनता दल यूनाइटेड, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भारतीय जनता पार्टी, सारण से राजीव प्रताप रूड़ी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की। वहीं हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के पार्श्वपति कुमार पारस ने जीत दर्ज की। उजियारपुर से नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी, समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, बेगूसराय से गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी, खगड़िया से चौधरी महबूब अली कैसर लोक जनशक्ति पार्टी, भागलपुर से अजय कुमार मंडल जनता दल यूनाइटेड, बांका से गिरिधारी यादव जनता दल यूनाइटेड, मुंगेर से राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी, पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की। वहीं आरा से भारतीय जनता पार्टी के आर के सिंह जीते। वहीं बक्सर से भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी कुमार चौबे ने अपनी जीत दर्ज की। सासाराम से भारतीय जनता पार्टी के छेदी पासवान, काराकाट से महावाली सिंह जनता दल यूनाइटेड, जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद जनता दल यूनाइटेड, औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार सिंह जीते। वहीं गया से विजय कुमार जनता दल यूनाइटेड, नवादा से लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह और जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग कुमार पासवान ने अपनी जीत दर्ज की। वहीं इस परिणाम के बाद बिहार ने एक अहम भूमिका अदा की है इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने में। तो बने रहिए ट्रेंडिंग समाचार के साथ और देखते रहिए खबरें हमारे साथ।